हाय दोस्तों, अगर आपको भी अपना पीजी बनाने में दिक्कत हो रहा है और आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं बना पा रहे हैं, तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप बहुत ईजी तरीके से अपना यूजर आईडी और पासवर्ड बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग को गूगल ओपन कर देना है और इसमें आपको टाइप करना है EPFO मेंबर। तो चलिए टाइप करते हैं EPFO, ये मेंबर यहाँ पर लिखा हुआ है पहले से, तो इस पर मैं ओके कर देता हूँ। ये हो गया ओके। ये ओके होने के बाद जो भी साइट यहाँ पर पहले खुलेगा, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे एक आपको काम करना है, जो आपको ये 3 डॉट दिख रहा है यहाँ पर ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको इसमें नीचे आना है, स्क्रॉल डाउन करना है, फिर आपको यहाँ दिया होगा डेस्कटॉप साइट, इस पर ओके क्लिक कर देना है। ये देखिए ट्रिक हो गया, तो आपको जो ये दिख रहा है मेंबर होम, इस पर ओके कर देना है। ये लीजिए ओके हो गया। अब हम ओके होने के बाद यहाँ नीचे आते हैं, तो यहाँ पर दिख रहा है EUN पासवर्ड, तो हमारा तो बना नहीं है, तो हम सबसे पहले इसको एक्टिवेट करेंगे, तो उसके लिए हमें नीचे आना पड़ेगा। स्क्रॉल डाउन करके यहाँ नीचे आ जाइए, फिर आपको और नीचे आना है, फिर आपको यहाँ दिया हुआ है पहले नंबर पर ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस फॉर पेंशन और हायर वैक्स, तो इसको छोड़कर यहाँ दिया हुआ है एक्टिवेट EUN, तो इसको हमको ओके कर लेना है। इस पर मैं कर दिया ओके। ओके हो जाने के बाद यहाँ पर आपका EUN नंबर मांग रहा है, तो ये आपको कहाँ से प्राप्त होगा, तो आप जिस कंपनी में काम करते हैं वहाँ आपको HR से ये प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले आपको EUN नंबर डाल देना है, आपका जो भी EUN नंबर होगा उसको डालना है। चलिए यहाँ पर जो भी आपका EUN नंबर डाल सकते हैं। उसके बाद ये आधार नंबर मांग रहा है, यहाँ पर आपका आधार नंबर डालना है, उसके बाद आपका नाम डालना है जो आधार पे है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालना है, फिर उसके बाद आपका मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद ये कैप्चा दिख रहा है, तो कैप्चा में जो भी हो इसको सही से फिल कर दीजिएगा। उसके बाद में यहाँ लिखा हुआ है मैं अपनी पहचान स्थापित, जो लिखा हुआ है यहाँ पर टिक कर देना है। टिक करने के बाद यहाँ लिखा हुआ है गेट ऑथोराइजेशन पिन, इस पर जैसे आप ओके करेंगे तो इस पर आप आगे बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों, जैसे आप गेट ऑथोराइजेशन पे पिन पे ओके करेंगे, तो आपका OTP जाएगा आपके मोबाइल नंबर पे, जो आपको नीचे यहाँ दर्ज कर देना है। दर्ज करने के बाद जैसे आप दर्ज करेंगे, तो आपको मोबाइल नंबर पे एक मैसेज आएगा, जहाँ पे आपका EUN नंबर और आपका पासवर्ड आपको प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, जैसे आप लोग देख सकते हैं कि मेरा मैसेज मुझे प्राप्त हो चुका है, तो यहाँ दिया हुआ है डियर मेंबर योर EUN, मेरा EUN नंबर इज एक्टिवेटेड लिखा हुआ है और सक्सेसफुल पासवर्ड भी आ चुका है। तो दोस्तों, जो हम लोग को EUN नंबर और पासवर्ड जो प्राप्त हुआ है, तो उसको लॉगिन कैसे करना है, तो देखिए मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर लिख देना है EPFO, ये रहा EPFO मेंबर, इस पर ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ लिखा हुआ EPFO मेंबर पासबुक, इस पर ओके कर देना है। ये ओके हो गया। ओके होने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ EUN पासवर्ड, यहाँ पर जो आपका EUN नंबर जो प्राप्त हुआ है वो जो पासवर्ड है उसको डाल देना है, उसके बाद कैप्चा फिल कर देना है, उसके बाद आपको साइन इन कर देना है। तो दोस्तों, देख सकते हैं कि मेरा ओपन हो चुका है PF, तो यहाँ पर मेरा स्टेट जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ पर नाम भी लिखा हुआ है, मेरा मेंबर आईडी लिखा हुआ है, डेट ऑफ ज्वाइन लिखा हुआ है, सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आई होप मेरा वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।